हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आज मैं आप लोगों की गणित की वर्कशीट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मेरे चैनल पे सारी वर्कशीट अपलोड की जाती हैं, जो स्टूडेंट रेगुलर देख रहे हैं उन्हें पता है, और जो स्टूडेंट नए देख रहे हैं हमारे चैनल पर, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैंने एक गेम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करूँगा और आप लोग उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट उसमें विनर होता है स्टूडेंट को गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। अगर उसके बारे में आप लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस गेम के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा और पार्टिसिपेट आप लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए पहले वर्कशीट करते हैं। सभी बच्चे अपनी गणित की वर्कशीट निकालेंगे, ठीक है। बच्चों देखो, मेरा वर्कशीट कराने का तरीका अलग है, ठीक है, और अदर वर्कशीट से। मैं सिर्फ आपको ऐसे लिखवा के नहीं चला जाता, मैं एक्चुअल आपको बताता हूँ कि आपको कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। इसलिए सभी बच्चे मेरे साथ साथ में लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। सभी बच्चे नोटबुक निकालेंगे अपनी मैथ की। सबसे पहले आप लिखेंगे विषय अपना, ठीक है। सभी बच्चे विषय लिखेंगे गणित, ठीक है। आपकी मैथ की वर्कशीट है, ठीक है। फिर आप लोग अपनी क्लास डालेंगे, क्लास बच्चों। फिर आप लोग अपनी वर्कशीट नंबर लेंगे। आपकी वर्कशीट का नंबर कितना है? वर्कशीट नंबर 4 है। ठीक है, वर्कशीट नंबर 4। फिर आपकी डेट कितनी है? 26 जुलाई। आपकी 26 जुलाई की वर्कशीट है। आप लोग अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करके आप लोग लिखोगे कि देखिए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ। आप लिखेंगे निम्न ज्यामितीय चित्रों को उनके नाम तथा दैनिक जीवन में दिखाने वाले चित्रों से मिलान कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको आपको लिखवा रहा हूँ। लिखना ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है। तो सभी बच्चे इसे लिखेंगे मेरे साथ में, ठीक है। मैं आपको देखो, सभी बच्चे नोटबुक में करते हैं, तो इसलिए आप नोटबुक में देखो ऐसा नहीं कर सकते कि पहले सारे डायग्राम बनाओ फिर आप हिस्सा लाओ, तो ऐसे थोड़ा अलग लगता है, ठीक है। मैं आपको लिखने का तरीका बताऊँगा। सभी बच्चे नंबर 1 करके पहले बिंदु बनाएंगे, ठीक है। नंबर 1 करके आप लोग ये बनाओगे, नंबर 1, ठीक है। हमने एक करने के बाद फिर आपको इसके बनाने के बाद इसके सामने लिखना है बिंदु, ठीक है। तो बिंदु ठीक है। फिर आप लोग देखोगे यहाँ पे आपका सेकंड है, ठीक है। सेकंड में आप लोग देखोगे नहीं, ये वाला सेकंड है आपका, ये वाला एक्चुअली थर्ड है, ठीक है। ये आपका थर्ड है, एक सेकंड, ये वाला, ये आपका थर्ड है, ठीक है। तो सेकंड में आप ड्रॉ करोगे तो आप लोग लिखोगे ये क्या है आपकी। देखो ये जिसमें इंसान लगा रहता है, इसका मतलब इसे आप और आगे बढ़ा सकते हो इनको, ठीक है। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। ये आपकी क्या है? ये आपका होता है लाइन, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं रेखा। इसके आगे सभी बच्चे वाला सेकंड डायग्राम बना के लिखेंगे रेखा, ठीक है। मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ रेखा, तो आपको ये सेकंड लिखना है। फिर आप थर्ड डालोगे, थर्ड पे देखो क्या दिया हुआ, ये पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट के बाद इससे आगे आप नहीं बढ़ा सकते इसको, तो ये आपका होगा रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड। ठीक है, फिर आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे आप लोग देखोगे कि आपकी लाइन एक दी हुई है, एक तरफ बिंदु है, एक तरफ मतलब एक तरफ आप बढ़ा सकते हो इसे बहुत ही आगे तक, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगा किरण। क्यों? क्योंकि कोई भी रे अगर निकलती है तो एक जगह से निकलती है, फिर वो बहुत दूर तक जा सकती है, तो ये आपका क्या होगा? किरण हो गया, ठीक है बच्चों। 4 नंबर पर आपका किरण हो गया। ये डायग्राम सबको बनाना है, ये वाले जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ पे आपको दिया हुआ है कि दो लाइन एक साथ जा रही है, तो आपकी क्या हो गई? सांगमी रेखा, ठीक है। क्योंकि ये पैरेलल लाइन बोलते हैं इसे, समांतर रेखाएं हो गई, ठीक है। समांतर इसमें आ जाएगा आपका समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं,
ठीक है। चलिए सिक्स करते हैं, सिक्स आप लोग डालोगे ऐसे, फिर आपकी देखो एक दूसरे को काट रही है तो आपकी कितनी कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे एरो करके लिखोगे डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है। देखो ऐसे नंबरिंग करके लिखोगे तो आप जब आप चेक करवाओगे तो आपको टीचर को भी चेक करने में ईजी होगा और वो आपको बहुत अच्छे नंबर देंगे अगर उन्हें सही से आप होमवर्क करके दोगे तो, ठीक है। तो इसलिए मेरे चैनल से वर्कशीट करने का फ़ायदा यही है, आपको एक्चुअल चीज़ पता लग जाती है कैसे करके लिखना है, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड लिखवाता हूँ, ठीक है। सेवन नंबर आप करके लिखोगे, ये आपका क्या दिखा, देखो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो आप लिखोगे इसमें लंबवत रेखा है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेवन का, ठीक है। लंबवत रेखा है, ठीक है बच्चों। फिर ये आठ पे आ गया, आठ पे हम लोग लिखेंगे, आठ नंबर आप करोगे डायग्राम बनाओगे, अब ये हो जाएगा आपका संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, ठीक है। आप लोग डायग्राम बना के लिखोगे, फिर लास्ट आपका आ जाएगा नाइन, ठीक है। नाइन में आप लोग लिखोगे सरेखी बिंदु, ठीक है, सरेखी बिंदु, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा, एक से लेके हमने नौ तक लिखा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट का, ठीक है। अब देखो इसके नीचे ये दिया हुआ है थोड़ा सा, एक सेकंड में चार्जिंग लगा लेता हूँ। देखो इसके नीचे क्या दिया हुआ है आपका, आप लोग देखो इसके लिए नीचे दिया हुआ किरण बिंदु समांतर रेखाएं रेखाखंड, ठीक है। तो इसके नीचे हमारे डेली लाइफ में यूज इसके काम दिए गए हैं। देखो अगर आप किरण देखोगे तो आपकी किरण कौन सी है, ये वाली आपकी किरण है, ठीक है। फिर आप रेखाखंड देखोगे, ठीक है, तो आपका रेखाखंड कौन सा है, किस कोई ऐसी चीज़ जिसका एक बिंदु हो लास्ट, ठीक है। इसके नीचे आई थिंक कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रेखाखंड ये हो जाएगा, पेंसिल आपकी जो दी हुई है, ठीक है। फिर आपका रेखा कौन सी होगी, रेखा आपकी ये रोड पे से जा रही है, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, जब बढ़ती चली जाएगी। फिर आपका बिंदु देखोगे तो बिंदु आपको कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, बिंदु आपका नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लंबवत रेखा ये हो गई आपकी, ठीक है। अब आपकी समांतर रेखाएँ ये रही है, ठीक है, एक समान है बिल्कुल, ठीक है, ये समांतर हो गई। और ये आपकी कौन सी होगी जो यहाँ पे ऊपर बताई थी, एक दूसरे को काटती है, ठीक है। तो आपकी ये हो जाएंगी संगामी रेखाएं, ठीक है। तो ये बस बताने के लिए था, इसमें से आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये सिर्फ एक समझाने के लिए था, डेली लाइफ में जो आप लोग देखते हो वो हो गया आपका, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं, आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर टू करके इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू आप लोग लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप लोग लिखोगे दिए गए वृत्त को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर खाली स्थान में लिखिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट पहले इसे उतारेंगे, बिंदु ओ, बिंदु ओ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो बिंदु एक क्या है, केंद्र है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा केंद्र, आप लोग लिखोगे केंद्र, ठीक है बच्चों। फिर आप ए ओ बी देखोगे, ए ओ बी आपका क्या है, ये व्यास है, ठीक है बच्चों, आपका व्यास हो गया। फिर आप लोग देखोगे ए सी, ए सी तो आपका क्या हो गया, ए सी जो है आप देखोगे नीचे, मैं पूरा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ए सी आप देखोगे इसके ऊपर क्या है, ए सी साइड में से जा रहा है, तो ये जीवा है इसकी, जीवा, ठीक है। तो आप लोग लिख दोगे जीवा, ठीक है। ओ सी पे आ जाएंगे, ओ सी, ओ सी आपका क्या है यहाँ पे, त्रिज्या, ठीक है। तो ये आपका ओसी तक रेखाखंड ए बी वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है, प्रत्येक आधा भाग, ठीक है। तो आधा भाग क्या कहलाता है इसका, त्रिज्या कहलाता है, क्योंकि ए बी वृत्त को दो बराबर, ए और बी मतलब ये हाफ ये हाफ, तो ये हाफ ये आपका हो गया एक, ये हिस्सा हो गया, तो ये आपका क्या कराएगा, त्रिज्या,
जिसे हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। रेखाखंड एओ, रेखाखंड किसके इक्वल है, जो एओए है वो किसके ओबी के इक्वल है, ठीक है, तो आपका ओबी आ जाएगा। बिंदु डी की स्थिति, बिंदु डी कहाँ पे है, बाहरी बिंदु, बाह्य बिंदु, इसे हम बोलते हैं बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर टू भी कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर थ्री नोट डाउन करोगे, ठीक है। अपने घर में से उन वस्तुओं के नाम लिखें जिनके द्वारा आप एक व्रत बना सकते हैं, साथ ही अपने आसपास से कोई दो स्थितियां लिखिए जहां आप व्रत बनता हुआ देखते हैं, ठीक है। एक तो आप ये बताना है आपको कि अपने घर में उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनके द्वारा आप एक व्रत बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही अपने आसपास कोई दो स्थितियां लिखिए जहां आप व्रत बनता हुआ देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आप एक का आंसर देंगे, ठीक है, ऊपर वाले का, ठीक है। सभी बच्चे इसमें दो डिवाइड कर लीजिए, थ्री का फर्स्ट, थ्री का सेकंड, ठीक है। तो जब आप थ्री के फर्स्ट का आंसर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, सेकंड का यहाँ पर लिखूँगा, तो फर्स्ट में आप लोग सबसे पहले लिखेंगे। देखो एक तो चूड़ी आपको मिल जाएगी, ठीक है, चूड़ी आप घर में देख सकते हैं, तो उससे आप क्या बना सकते हैं, ठीक है। और आप ग्लास से बना सकते हैं, ग्लास, ठीक है, ग्लास, ये दो चीज़ ऐसी है जिससे आप अपना घर पे क्या बना सकते हैं, एक व्रत बना सकते हैं। ग्लास को अगर आप उल्टा करके ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो व्रत बन जाएगा, चूड़ी से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, चूड़ी भी मात्रा आ जाएगी, चूड़ी और ग्लास। सेकंड, साथ ही अपने आसपास कोई दो स्थितियाँ लिखिए जहाँ आप व्रत बनता हुआ देखते हैं। व्रत देखो एक तो आपको सूर्य में नज़र आता है, ठीक है, एक तो वो हो गया सूर्य में अगर आप देखोगे तो आपको गोल नज़र आता है, ठीक है। दूसरा आप रेड लाइट, रेड लाइट, ठीक है बच्चों। तो ये आपके दोनों कंप्लीट होते हैं, ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया फर्स्ट का, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट का आंसर और ये सेकंड का आंसर। तो आप लोग